735 देख सकते हैं आप, बिना साइड ब्रेक मोड़े लगाए ही घूम जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखो आप, वो कल्टीवेटर की गहराई देख लो, मोड़ पे भी कितनी ज़्यादा है, साइड में देखो सीधा। और जो किसान भाई ये कहते हैं ना कि स्वराज या मैसी के जैसी सेंसिंग नहीं है, आप सेंसिंग को छोड़ो, आप ये देख के बताओ टीलर ऊपर नीचे हो रहा है नहीं, बिल्कुल जू का तू चल रहा, कोई RPM ड्रॉप नहीं। इसे हमारे पिताश्री चला रहे हैं ट्रैक्टर को। अब हम गन्ने की तैयारी में लग चुके हैं, आलू हमारे खुद के, और मैं इसके RPM भी दिखा देता आपको, पर जूता बजने की संभावना ज़्यादा है इसलिए वो डर रहे हैं। तो एक बार फिर से इसे दिखाऊंगा मैं तुम्हें, पास करके देखो टीलर की गहराई, और ट्रैक्टर पे कोई भी फर्क नहीं, फिर से दिखाऊंगा। पिताजी साइड ब्रेक मारे ही, बिना साइड ब्रेक के ही ट्रैक्टर को मोड़ते हैं और कभी भी लोड नहीं घेरते आप। साइड देखो कल्टीवेटर की गहराई देख सकते हो। अब मेरे से ये कहेंगे कि चला जा, नहीं तो तेरी कुटाई हो जाओगी। कोई धुआं नहीं ट्रैक्टर के अंदर। RPM इसलिए नहीं दिखा पा रहा कि कभी जो है जूता बजने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इसका कंपटीशन मैसी के साथ में देखना चाहते हो तो मैं आपको इसकी चाल स्पीड और इसका लोड मैसी के साथ भी दिखा दूंगा। जिस लोड पे ये चल रहा है, इस लोड पे ये ट्रैक्टर मेरे हिसाब से, मैं जैसे चलाता हूँ, ये 50-55 RPM ड्रॉप करके चलता है बस, इससे ज़्यादा। ये हमारा 735 ट्रैक्टर है स्वराज का, और देखिए बिना लीवर उठाए और बिना ही किसी ब्रेक मारे ट्रैक्टर मुड़ रहा है। तो सब बिना ब्रेक मारे घुमाएंगे ट्रैक्टर को, देखो ये रहा, बिना साइड ब्रेक मारे कितना अच्छा प्रदर्शन ट्रैक्टर का है। और स्पीड देख लो आप ट्रैक्टर की, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। पापा जी कह रहे हैं बस चला जा, अन्य तो तेरी पिटाई हो जाएगी। आप टीलर की गहराई देख सकते हो, और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि ये ट्रैक्टर मोड़ पे बिना साइड ब्रेक लगाए ही मुड़ जाएगा। आप लीवर देख सकते हो, दोनों लीवर, दोनों पापा के हाथ स्टीयरिंग पे हैं, लीवर नहीं छेड़ सकते आप हमारा, देख लो।